हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक एग्जाम्पल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? अगर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर, एक्स की जो है हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो हम बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघातीय समीकरण। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो बस इसे इक्वल टू रखना होता है हमें 0 के या किसी भी चीज के इक्वल। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन वही है, अगर एक्स की पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो वो हमारी जो इक्वेशन होती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बट कंडीशन यहां पे एक है, कंडीशन ये है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए को 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके, ए जो है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए कैन नेवर बी अ 0, ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसका रीजन ये कि अगर हमारा ए 0 हो जाएगा, तो जब हम 0 को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर तो 0 ही बन जाएगा, तो हमारा इक्वेशन सिर्फ बी एक्स प्लस सी रह जाएगी, जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो फिर 1 हो जाएगी। इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, हमने थर्ड चैप्टर में लीनियर पेयर पढ़ा था, तो ये लीनियर पेयर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके में हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए एक्स की, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कंडीशन ये है कि जो एक्स के साथ लिखी हुई टर्म है वो 0 नहीं हो सकती कभी भी, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बी 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है, बी कुड बी 0 और सी ऑल्सो कुड बी 0, बट ए कैन नेवर बी 0, ए जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, याद रहेगी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। याद बस इसमें ये रखना है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए और जो ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि क्या वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जर्नल होती है वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इस एक्सप्रेशन को कोशिश करनी है, ट्राई करना है इस एक्सप्रेशन में लेके जाने का। तो शुरू करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है एक्स प्लस 1 होल का स्क्वेयर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे हमारा a जो हो जाएगा वो x हो जाएगा और जो b हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे, a की जगह पे x लिखा है, b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो a x हो गया, b जो है वो हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे a की जगह पे x पुट कर देंगे तो हो गया एक्स स्क्वेयर, b की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2 की जगह पे 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 1, तो ये 2x हो गया इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। ओके, अब क्या करना है, सारी टर्म एक तरफ लेके आएंगे क्योंकि एक तरफ 0 है, तो सारी को एक तरफ लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x,
ये इधर प्लस है तो इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है तो इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर 1 + 6 = 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 2 है, इज 2। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो 2 आ गई है इसलिए ये जो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, सेकंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 × 3 माइनस एक्स। तो सिंपलीफाई करेंगे इसको भी, पहले ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे ही रखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया। अब एक तरफ करेंगे सारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स टू एक्स की पावर 2 माइनस 2 ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला प्लस 2 इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, ये इधर माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर क्या है, हाइएस्ट पावर फिर से हमारे पास 2 आ गई, हाइएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर इट इज आल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी यस होगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस 2 × x + 1 इज इक्वल टू x + 1 × x + 3। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वेयर, एक्स को 1 के साथ करेंगे एक्स, माइनस 2 को एक्स के साथ करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स को एक्स के साथ करेंगे एक्स का स्क्वेयर, एक्स को 3 के साथ करेंगे 3x, 1 को एक्स के साथ करेंगे एक्स, 1 को 3 के साथ करेंगे 3। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस का एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। अब सारी टर्म्स एक तरफ करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, इधर आके ये माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 = 5x, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5x इक्वल टू 0, माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, हाईएस्ट पावर जो हमारे पास आई है वो 1 है, इसलिए ये जो होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स माइनस 3 × 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5। तो पहले एक्स को एक्स से मल्टीपल, एक्स को 2x से करेंगे, ये हो जाएगा 2x का स्क्वेयर, एक्स को 1 के साथ करेंगे एक्स, माइनस 3 को 2x के साथ करेंगे माइनस 6x, माइनस 3 को 1 के साथ करेंगे माइनस 3 इक्वल टू, एक्स को एक्स के साथ करेंगे एक्स का स्क्वेयर, एक्स को 5 के साथ करेंगे 5x। अब एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5x माइनस 3, ये इधर आके माइनस का, ये भी इधर आके माइनस का इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर में से 1x स्क्वेयर माइनस करेंगे तो ये x का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 10x, ये आ गया माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पोल इक्वेशन होगा, हाईएस्ट पावर जो है वो I2, सो ये यस होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2x-1 इंटू x-3 इज इक्वल टू x+5 इंटू x-1। मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x को x से करेंगे, ये हो जाएगा 2x² - 2x को 3 से करेंगे, 6x-1 को x के साथ करेंगे -x, -+1 को 3 के साथ करेंगे 3, इक्वल टू x को x के साथ किया x² x को -1 के साथ किया x, 5 को x के साथ करेंगे +5x, 5 को 1 के साथ किया -5। अब दोनों को एक तरफ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 2x² -6 +1 7x +3, ये इधर आके माइनस का, ये हो गया हमारा प्लस का x, ये हो गया माइनस का 6x, ये हो गया प्लस का 5x, 5 इज इक्वल टू 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे x² 7, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 7 +6 13, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, ये आ गया माइनस का 12x, प्लस करेंगे तो +8 इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वेयर। तो ये वाली चीज तो पहले ही सिंपलीफाई है, इस साइड को हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x² + 3x + 1 इक्वल टू, इसको फिर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू होता है हमारे पास a² + b² - 2ab के। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, a की जगह पे x है तो x² + 2 का स्क्वेयर 4 -2 × 2 = 4x। अब एक तरफ कर लेते हैं x वाली टर्म, c हो जाएगा x² + 3x + 1, ये इधर आके माइनस का x² माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, हमारे पास प्लस हो जाएंगे 3 + 4 7x प्लस माइनस 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 का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 1 आएगी, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ये फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x³ + 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, +3a² करेंगे x² b को ऐसे लिखेंगे (b) +3a² x b² करेंगे तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x³, 2x को 1 के साथ करेंगे 2x, तो ये हो गया हमारा x³ + 8 3 × 2 = 6 x² + 3 × 4 = 12 x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब एक तरफ करते हैं सारी टर्म्स, ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x -2x³ - 2x। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये हमारा
प्लस माइनस 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 का एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, तो ये टेन प्लस का टेन एक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा प्लस एट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो थ्री है, हाईएस्ट पावर जो आई है वो थ्री आई है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। फिर से यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर ए प्लस बी का लगाया था, यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इस वाली साइड को ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस टू का क्यूब एट आ गया, माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स की स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस का ट्वेल्व एक्स। अब एक तरफ कर लेते हैं सारी टर्म्स को, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये इधर आके माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एट माइनस का सॉरी प्लस का सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस का ट्वेल्व एक्स इक्वल टू जीरो। ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस, सिक्स में से फोर माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास टू एक्स का स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो है टू, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है 528 मीटर का स्क्वायर, इतना एरिया हमें दिया हुआ है। हमें बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट ऑफ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है अगर उसकी लेंथ जो को हम एल माने, जो लेंथ उन्होंने बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ अगर बी है तो ब्रेथ का पहले ट्वाइस करेंगे फिर उसमें वन ऐड करेंगे, तो ये लेंथ है और जो ब्रेथ है वो तो हमारे पास है ही उसकी बी, ब्रेथ जो हो जाएगी वो बी हो जाएगी, तो लेंथ हमारे पास आ गई टू बी प्लस वन और ब्रेथ जो होगी वो बी होगी। हमें इसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, मीन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो L क्या है हमारे पास 2B प्लस 1 और B क्या है वो B ही है, B को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2B का स्क्वायर प्लस प्लस B इज इक्वल टू एरिया हमें दिया कितना है 528। इसको ठीक करके लिखेंगे 2B का स्क्वायर प्लस B, ये इधर प्लस का है तो इस साइड आके ये माइनस का आ जाएगा 528 इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, अब सेकंड पार्ट में बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। हम दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मान लेंगे, लेट द टू नंबर्स बी दो कॉन्सिक्यूटिव मानने, एक को एक्स मान लेते हैं, एक एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये दो नंबर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया है 306, मीन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू है 306 के, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इक्वल टू 306, ये इधर प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक।